वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। ये सिक्स क्लास की वर्कशीट रहेगी और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। और ये जो इंग्लिश की जो आपकी वर्कशीट है जो 28 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पे क्लास टीचर का नेम लिखना है। आज की जो वर्कशीट है वो नाउन से रिलेटेड रहने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। हिंदी में संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो नाउन के पार्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी पार्टिकुलर का नाम। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप कौन से शहर में रहते हैं तो उसका नाम क्या है, दिल्ली, ठीक है, इसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। मैंने बोला आपकी गाय का क्या नाम है, आपने बोला लक्ष्मी। आपके आपने कहा मेरे घर में गाय नहीं है, पड़ोस में है, उसका नाम कांता। तो जो किसी का नाम होता है उसे प्रॉपर कहते हैं। प्रॉपर का मतलब है केवल उसी के लिए स्पेशल। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब ये होता है जो हर किसी में आ जाए। जैसे हमने गाय बोला तो गाय के अंदर सारी गाय आ जाएंगी। मैंने बोला पेन तो उसमें सारे पेन आ जाएंगे। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप इजिली जो है कर लोगे नाउन को। आओ फटाफट कर लेते हैं। पहला बोला है सर्कल द नेम फॉर द फॉलोइंग। इससे बोला थिंग वी सी ऑन द रोड। आपको वो चीजें बताने जैसे आप रोड पर देखते हो, कार को, कॉम को, स्कूटर को या ब्रेड को। देखो आंसर जो है मैंने बिल्कुल अलग से लगा दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे आंसर मैंने लगा रखे, ठीक है। एक बार आप समझ लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, तभी आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो आप देखिए थिंग जिसे आप देख सकते हैं वो कौन सी है, आप फटाफट बताइए वो कौन सी चीज आप रोड पर देखते हैं। तो कार हो गई, ठीक है। इसको आपको सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल। देखो थोड़ा सा कलर से सर्कल करके दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आप और कौन सा देखते, स्कूटर देखते हो, है ना। इस तरीके से आपको सर्कल मारना है। मैंने तो आंसर लिख रखे ना, आपको सर्कल मारनी है। आप बताओ थिंग वी यूज, जिसको आप यूज करते हो, टूथब्रश को, पक्षी को, बर्ड यानी कि कॉम, कंगी को, लाइब्रेरी को, जिसको आप यूज करते हो। तो टूथब्रश को यूज करते हो ना, ठीक है। इस तरीके से सर्कल लगा देंगे, सही से लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रॉपर मेरे पास जो आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं है इसके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कॉपरेट करना प्लीज, ठीक है। कॉम पर ऐसे थिंग वी ईट, जब खाते हो या पीते हो तो ब्रेड है, ठीक है, खाते हैं, सर्कल लगा देंगे। ऐसे ही आपको जो है कौन सी सब्जियां खाते हैं तो सब्जियों पे आपके लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। सर्कल लगाना है, आप कोऑपरेट करना। आप बताओ वो थिंग जो पार्क में आप देखते हैं, झूला, पेड़, ग्लास, कांच या जूते, ठीक है। तो अगर आप जो पार्क में देखते हैं वो लिख दो, जैसे झूले देखते हैं और हम पेड़ देखते हैं, ठीक है, अब ठीक है, अब जो नॉर्मली देखते ही देखते हैं। आप वो सर में जूते पहन के गया था तो जूते भी देख लिए मैंने, ठीक है बेटा। जूते अगर हर पार्क में पाए जाते हैं या तुमने पार्क में जूते लगा रखे, बात अलग है, ठीक है, तो हम नहीं करेंगे, जो नॉर्मली पाया जाएगा उस पे हम सर्कल करेंगे, ठीक है। द वर्ड वी सर्कल इन द एबव क्वेश्चन रेफर टू एनी पर्सन। देखो ये कह रहे जितना भी आपने सर्कल मारे ना, ये किसी या तो पर्सन से रिलेटेड है या किसी प्लेस से रिलेटेड है, एनिमल से या थिंग से रिलेटेड है। तो दे डू नॉट रेफर टू पार्टिकुलर पर्सन, ये किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहे। देखो कार कोई सी भी हो सकता है, स्कूटर कोई से भी हो सकता है, ब्लड कोई से भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कार, बैट, ट्रीज एंड कॉम, ये जो हमने सर्कल मारे थे इन्होंने बता रखे हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था, है ना। उसके बाद इसे बोला है आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो अब बताओ बैट जो है आपको पेयर बनाना है, ठीक है, वर्ड का पेयर बनाना है। जैसे बैट के साथ क्या सही होता है, बॉल होती है ना, इस तरीके से। फादर के साथ कौन सा ये, मदर, है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद पेपर का क्या होता है, पेयर, पेंसिल, है ना। ऐसे ताले का क्या होता है, लोक, लोक मतलब ताला, तो ताले के साथ चाबी होती है, ठीक है। तो आंसर ये कर रखे हैं, इस चीज की टेंशन मत लेना, लास्ट में आपको सारे आंसर के पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ले लो, है ना, इस तरीके से तभी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट बोला गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसमें नेम बताना है कि जिस कंट्री में आप रहते हो, इंडिया में, ठीक है, कंट्री मतलब देश। डे बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले वाला दिन कौन सा है, बिफोर मतलब पहले, फ्राइडे। द नेम ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का नेम लिखना है।
नेम ऑफ दिस मंथ, महीने का ये कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। होली रिवर जो पवित्र नदी है, जैसे गंगा है, नर्मदा है, यमुना है, जो आप लिखना चाहो, ठीक है। ये कह रहा है व्हेन वी रेफर टू पार्टिकुलर पर्सन। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा जब आप कंट्री का नेम बता रहे थे, जब होली रिवर का नाम बता रहे थे, तो वो पार्टिकुलर थे, ठीक है। जब किसी विशेष के बारे में, किसी स्पेशल के बारे में बताया जाता है, तो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसमें रीड द सेंटेंस, राइट द नाउन इन अ बोर्ड अंडर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आपको ये बॉक्स फिल करना है बच्चों, ठीक है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि कौन सा नाउन है प्रॉपर वाला और कौन सा है कॉमन वाला, तो आपको जो डार्क कर रखे है ना, तो आप इजिली से फिल कर लोगे, ठीक है। जैसे कि हम फटाफट आपसे पूछ लेते हैं, आप मुझे बताइए रानी जो है वो पार्टिकुलर का नेम है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। केक कोई सा भी हो सकता है, चॉकलेट वाला हो सकता है, वेनिला का हो सकता है, इसलिए केक क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। रमन और अमित एक पार्टिकुलर जनों के नाम है, इसलिए क्या कहलाएंगे, प्रॉपर। फुटबॉल जो है वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, किसी की भी हो सकती है, बहुत प्रकार की हो सकती है, ठीक है, छोटी बड़ी हो सकती है, तो फुटबॉल क्या कहलाएगा बच्चों, कॉमन नाउन। पार्क भी किसी भी पार्क में आप जा सकते हो, मेरे घर के पास जो पार्क है, आपके घर के पास पार्क है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कॉमन कहलाएंगे। ताजमहल क्या कहलाएगा, प्रॉपर, क्योंकि विशेष एक पार्टिकुलर का नेम है। आगरा भी एक ही जगह है आगरा, तो ये भी क्या कहलाएगी, प्रॉपर कहलाएगी। आगरा बहुत सारे तो नहीं होते ना, होते हैं तो मुझे बता देना, मैं भी घुमाऊंगा, ठीक है, क्या कह रहे हो, नहीं होते, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, प्रॉपर, इस बात को ध्यान रखना आपको। ऐसे ये जो आपको कैट का दे रखा है, ठीक है, इसकी लाइन भी देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो कैट का, तो कैट, कैट बहुत सारी कैट हो सकती है, क्या होगा, कॉमन। डोर भी बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमन। सीता क्या है, पार्टिकुलर का नेम है, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रॉपर। लैपटॉप भी बहुत सारे हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या कहलाएगा बच्चों, कॉमन कहलाएगा। आप करोगे सीता के, बहुत से बच्चों का नाम हमने सुना है सीता, ठीक है बच्चों, ये पर्सन का पार्टिकुलर का नेम है। लैपटॉप किसी का नेम सुना है कि ओए लैपटॉप दे दे, तो लैपटॉप तो एक क्या थिंग है ना, अगर लैपटॉप का आप नाम रखते हो, ठीक है, तब वो कहलाएगा प्रॉपर, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे सीता बहुत सारी होती है तो भैया हम उनको क्या कह देंगे, प्रॉपर कह देंगे, ठीक है, या सॉरी कॉमन कह देंगे, तो प्रॉपर ही रहेगी। हाँ, अभी आपको पता है कुछ जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन का भी काम करती हैं, ये थोड़ा अंदर डीपली चीजें होती है। जैसे मैंने बोला कि ये महात्मा गांधी है, ठीक है, मैंने किसी बच्चे को बोला महात्मा गांधी, ही इज महात्मा गांधी, ठीक है, मतलब ही इज द लगा दिया उसके आगे मैंने, तो मतलब वो महात्मा गांधी ने, उसके अंदर महात्मा गांधी गुण है, तो वहां पर हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर जो कॉमन बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो बाद में कभी करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आज हम जो पढ़ रहे हैं पहले बेसिक चीज सीख लेते हैं। टॉमी इज माय पेट डॉग, देखो टॉमी पार्टिकुलर जने का नाम है और डॉग कोई सा भी हो सकता है, तो ये प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया। अब मैंने आपको पूरी कोशिश करी है समझाने की, ठीक है, अब आप एक बार आंसर सारे देख लीजिए, ये पहले वाला हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, पहले आप अपना ट्राई कर लेना, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, ठीक है, आपको सिखाने के लिए है। अगर आप रोट लर्निंग करोगे तो फिर आप कैसे सीखोगे। ये दोनों नाम मैंने एक जगह लिख दिए क्योंकि बॉक्सेस कम थे, तो हमने एक ही में यूज कर लिया, ठीक है, अब से पेपर वाली बात हो जाएगी ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, अपना सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।